गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं केक। और केक बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 13 बिस्किट्स, मैंने यहाँ पे पार्ले जी लिए है, आप कोई भी ले सकते हो। फिर कोको पाउडर और थोड़ा सा मिल्क, अगर आपके पास मिल्क ना हो तो आप कंडेंस्ड मिल्क भी ले सकते हो। हम सारे पार्ले जी बिस्किट्स को भी हम उसको ग्राइंड कर देंगे मिक्सर में। आप देख सकते हो मैं इसमें एक एक बिस्किट डाल रही हूँ। अभी हम इसे मिक्सर में डाल देंगे, अभी हम इसे ग्राइंड करेंगे। अभी हम इसे दूसरे बाउल में कर देंगे, इसे इस पाउडर को हम दूसरे बाउल में कर देंगे। इस बाउल में डालिए, आप देख सकते हैं इसका पाउडर कैसा है। ये बिस्किट का पाउडर है वो इस तरीके से होना चाहिए। अभी हम इसमें अभी हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, एकदम थोड़ा सा। बस इतना ही, मैं थोड़ा और कर रही हूँ, मेरा थोड़ा सब्सटेंस ज़्यादा है। अगर आप अभी मैं इसको चम्मच से मिक्स कर दूँगी, इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 स्पून ऐड कर दिया, अभी हम इसको मिक्स करेंगे। और आज जो हम लोग केक चॉकलेट केक बनाने वाले इतने इंग्रेडिएंट्स है, उसके लिए इसके ऊपर टॉपिंग करने के लिए हम ये कोकोनट पाउडर यूज़ करेंगे। इसको भी हम मिक्स वेल अच्छे से हो चुका है। ये जो पाउडर है ये अभी हम इसे अच्छे से इसको फ्लैट करके इसको हम फ्रिज में रख देंगे। इसे फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में रख दिया। अभी हम इसे ये हमारा जो कोको हमारा जो पाउडर था वो एकदम फ्रीज हो चुका है। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। अभी हम इसको निकालेंगे प्लेट में। मैंने उस बाउल में से इसमें निकाल दिया है। अभी ये जो इतना पार्ट है उसको हम डेकोरेट करेंगे। और अगर आपके पास कोई भी चॉकलेट हो या कोई भी, तो आप उससे भी इसको डेकोरेट कर सकते हो। मैं इसे उससे करने वाली हूँ, मेरे पास पर्क है उससे। अभी हम इसे डेकोरेट करेंगे, इसके ऊपर कोकोनट पाउडर थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे।
जो राउंड है उसके ऊपर कर रही हूँ। आप पूरे पे पूरी ये इस सारे जगह पे भी कर सकते हो, पूरी केक पे। देख सकते हैं कैसा अच्छा लग रहा है इस केक के ऊपर। और अभी हम इसके फर का इतने छोटे छोटे पीस करके इसके आते हो। मैंने फर कितनी ली और इससे स्वेप स्क्वायर बनाया है। अगर आपको और कुछ और अगर आपको ऐसा नहीं सजाना है और किसी चीज से भी और किस तरीके से भी सजा सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।